नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। और आज हम एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं जो आप अगर चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। गाइस, बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग की नहीं है, बट मुझे ये स्टॉक मेरी रडार में था और इसका जिक्र मैंने आपको कल अपने सोशल मीडिया पर भी किया था, बट मुझे लगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। इसके फंडामेंटल्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, प्योर टेक्निकल्स की बात करने वाले, प्योर टारगेट्स की बात करने वाले। मैं ये देखूंगा इसको कहाँ तक एक्युमुलेट किया जाता है। जो लोग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं कि साल में 25-30-40% की रिटर्न अगर आ जाए तो कई स्टॉक उसका हिस्सा बन सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्टॉक आपके लिए बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं एनआरबी बियरिंग्स की। बियरिंग बनाने की कंपनी है और अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। ये स्पेशलाइज्ड जो बियरिंग बनाती है उसका कम से कम 60% मार्केट शेयर इसके पास है। आप ये मान के चले कि सड़क पे जितनी भी गाड़ियां दौड़ती हैं वो एनआरबी बियरिंग के पार्ट्स पे दौड़ती ही दौड़ती हैं। और ये अभी हाल फिलहाल 117 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये पहले भी मैंने अपने बेस्ट डिलीवरी स्टॉक सर्विसेज के अंदर में दिया था लोगों को, वो एक पेड सर्विस थी, बट ये वीडियो बिल्कुल फ्री है जो मेरे चाहने वाले हैं उनके लिए। अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एनआरबी बियरिंग ने एक बॉटम क्रिएट किया है 110-112 रुपये के आसपास से। पहले भी इस बॉटम से ये एक अच्छी खासी रैली कर चुका है, तो यहाँ से ये स्टॉक गिरते गिरते अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई और बाजार का सिनेरियो खराब हुआ तो एनआरबी बियरिंग में ही प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी है। पहले भी ये स्टॉक 90 रुपीज़ से चलते चलते 190 तक गया था, कितनी ज़बरदस्त रिटर्न इसने दी। अब ये दोबारा 117 के आसपास मिल रहा है, तो क्या ये अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई देता है? जी हाँ, मुझे ये प्राइस बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस की बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये स्टॉक और गिरता है तो ये स्टॉक हो सकता है 98-99-100 रुपीज़ की रेंज में आ जाए। तो अगर ये स्टॉक आपको 100 रुपीज़ की रेंज में मिलता है तो ये मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन जरूर बनाऊंगा, एवरेज जरूर करूंगा और नीचे आएगा और एवरेज करेंगे। बढ़िया स्टॉक जिसमें मार्केट का दमखम हो, मार्केट का अच्छा खासा शेयर हो, उसको क्यों लेना नहीं चाहेंगे हम? तो मेरी अपनी पर्सनल प्राइस अपनी एनालिसिस करने के ही ट्रेड लीजिएगा। अगर अभी स्ट्रैटेजी हो जाती है कि यहाँ पे अगर करंट मार्केट प्राइस में मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ तो मेरी फर्दर जो एवरेज होगी वो होगी 100 रुपीज़ के आसपास में, और मैं बहुत अच्छे से उसमें एवरेज करूँगा, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे पहले भी उसको बहुत बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिला है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से ये स्टॉक अगर 125 रुपये को पार कर लेता है, अगर 125 रुपये को अच्छे वॉल्यूम से पार कर लेता तो यहाँ पे बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा और इसका जो पड़ाव है, इसका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 150 रुपये तक जा सकता है। तो 110 रुपये से लेकर 115 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की रिटर्न्स बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक आपको अच्छा लगे, अपनी एनालिसिस में शामिल जरूर कीजिएगा। देखिएगा, मेरी स्टडी गलत भी हो सकती है, 100% भी गलत हो सकती है, तो गाइस मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ दिस इज करेक्ट स्टडी। मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि ये स्टॉक डेली चार्ट पे तो अच्छा लग ही रहा है और वीकली चार्ट पे भी अगर देखो तो इसका सपोर्ट मुझे वहीं दिखाई देता है और वीकली चार्ट पे भी बढ़िया जगह से ही इसने बाउंस बैक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 115-116 रुपये का अच्छा खासा सपोर्ट इसने वीकली चार्ट पे भी लिया है। तो अगर इसके ऊपर 125 रुपये के ऊपर क्रॉस करता है तो वीकली ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा। तो नज़र बना के रखिए, ये स्टॉक अगर आपको 100 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाइंग होगी, अच्छी खासी रिस्क टेकिंग बाइंग होगी, एक वर्थ रिस्क टेकिंग बाइंग होगी और यहाँ से स्टॉक हम 125-150 रुपये के लिए ट्रेड कर सकते हैं और फर्दर उसके ऊपर में ब्रेकआउट 190 रुपये तक इसको लेके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्टॉक जो सही सलामत रिटर्न्स आपको दे तो ये स्टॉक हो सकता है। और दोस्तों, एक और चीज़ आपको बता दूं, जब वॉर सिनेरियो चलती हैं या मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग चल रही होती है वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, आपको बिल्कुल भी रूमर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप सोच के देखिए, जो कंपनी की मार्केट शेयर होल्ड करती है, मैं स्पेशली एनआरबी बियरिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी फॉर दैट सेक, अगर कंपनी के पास एक मार्केट है, अच्छा परफॉर्म कर रही थी, रातों रात ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो कंपनी टंबल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आपको सारे हिंट चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे, सारे हिंट फंडामेंटल्स में दिखाई देंगे। तो कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए, कंपनी के चार्ट्स को स्टडी कीजिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए सीखने में। गाइस, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली, वापस से मास्टर क्लासेस लेके आ रहा हूँ, पुराने स्टाइल में होंगी, बिंदास होंगी, जहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बाजार को कैसे देखा जाए, कैसे स्टॉक्स के ब्रेकआउट ढूंढे जाएं, कैसे स्टॉक्स को पिक किया जाए, कौन से स्टॉक आपको साल में 30-40% की अच्छी बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं। देखिए, मैं मल्टीबैगर जैकपॉट से बिलीव नहीं करता हूँ, बट अगर आप बढ़िया से 15-20-25-30% का कैगर अगर निकाल पाते हैं तो आप एक मल्टी मिलियनर बनने की राह पे चल पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ सरप्राइज एलिमेंट। जी हाँ, सरप्राइज एलिमेंट है, अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है तो। वो अच्छा सरप्राइज भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके ट्रेड करेंगे तो खराब सरप्राइज होगा, किसी पे किसी से सीख के या अपने आप से सीख के बाजार में समय और पैसा इन्वेस्ट करके अगर सीखेंगे तो बाजार आपको अच्छे सरप्राइजेस देगा ही देगा। और स्टॉक मार्केट इज अ नेम ऑफ रिस्क रिवार्ड रेशियो। जी हाँ, रिस्क लेना होगा तो रिवार्ड अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। रिस्क नहीं लेना है, बैंक एफडी में जाइए, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी करके डाल दीजिए, वो सबसे अच्छा है। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ हलचल
चाहते हैं बाजार में दिमाग में, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट. गाइस दिस वाज द स्टॉक ऑफ द डे. आई होप ये आपको पसंद आएगा. अपनी स्टडी करके ट्रेड लीजिएगा. मिलते किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में और कोशिश करते हैं गाइस कल लाइव सेशन करने की. आज शुक्रवार है, आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ. कल सैटरडे को उम्मीद करता हूँ आप लोग भी छुट्टी में होंगे, मैं भी समय निकाल पाऊंगा. कल रात को 9:15 पर लाइव सेशन करेंगे, रात को ठीक 9:15 बजे शनिवार को. मिलते हैं कल. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.